नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। जय हो नीलकंठ महादेव भाई। तो मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के सबसे खास और महत्वपूर्ण जाते हैं इस कार्यक्रम में। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम उम्मीद करते हैं सभी देवी देवताओं से कि आप साहब बहुत ही अच्छे होंगे, समझते होंगे और आप सब अपने अपने जीवन काल में सुखी होंगे माता रानी के श्रीवास से। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करें कि आपके जीवन काल से जुड़ी कुछ ऐसी महत्व भी से के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप आंखें तरस गई थी यह समय देखने के लिए, मात्र एक बार इस वीडियो को देख ले, क्योंकि आप अपने जीवन काल में जिस चीज के लिए तड़प रहे थे आपको इस समय वही मिलने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में इस समय एक साथ दरबार लाख रू आंखें निर्माण होने वाला। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से को संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे जो आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा आज के इस वीडियो को निर्माण किया गया। दोस्तों, क्योंकि आजकल भविष्यवाणी आपके होश उड़ाने के लिए काफी है, तो मेरे प्यारे मित्र, आने वाले इन तीन दिनों के अंदर आपको जो कुछ खबरें मिलेंगे, खुशखबरी मिलकर पूरे परिवार पागलों की तरह नाचने लगा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाले तीन दिन के अंदर सुविधा से 18 सितंबर के बीच जो अधिक शोध घटना होंगे, वे घटना आपके होश ने इन दोनों उड़ा दे कि किसी आपकी आंखें तरस गई थी जैसा मैं देखने के लिए, क्योंकि आपकी कुंडली में एक साथ दो राज योग का निर्माण हो रहा था। क्योंकि यह तीन दिन के अंदर आपकी कुंडली में ग्रह गोचर के बीच बिटिया आप सबके लिए शुभ साबित होने वाली है। आखिर आपकी आखिर कौन सी घटनाएं देखने के लिए तरस गई थी, तो आज के इस वीडियो में अब आपको सारी जानकारी आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा देने वाले हैं। दोस्तों, इसीलिए आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास करें, क्योंकि आज का यह वीडियो आप सबके लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली थी, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में वहाँ यदि चमत्कार होने वाला है, कलयुग में पहली बार आपके साथ कितना बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि खुशखबरी सुनकर फोर्स को ने इन दोनों उड़ने वाली अगले तीन दिन के अंदर। दोस्तों, सच्चाई जानकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इन तीन दिन का समय आपके लिए महत्वपूर्ण समय रहने वाला है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक साथ दरबार राजपूत का निर्माण हो रहा है, ताकि आप अपने जीवन में इस समय का पूरा लाभ की। दोस्तों, आखिर किस चीज पर कौन सी समय के लिए आपकी आंखें तरस गई थी, तो बैठे बातें हम आपको आज के इस वीडियो में विस्तार से बताएं कि इसीलिए आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को विस्तार करने से पहले हम आसानी से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करती हैं कि जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्ची भक्ति की बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त ही इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जय का नारा लगाना न किएगा। दोस्तों, और एक बात आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे स्कैनर सब्सक्राइब नहीं किए थे, तो हमारे चैनल को भी आप जल्दी से सब्सक्राइब कर रखेगा, ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात कह रहे थे कि आपको आंखें तरस गई थी या मैं देखने के की गई, तो आपके जीवन में लव लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। दोस्तों, आपको अपनी आंखों पर सचमुच में यकीन ही नहीं होगा, क्योंकि आपके जीवन में ना चाहते हुए भी शारीरिक संबंध बनने वाला है। जो घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रखते कि दोस्तों, सचमुच में आपके जीवन में और आपके लाइफ लव लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, और आपकी आंखें कौन सा समय देखने के लिए तरस गए थे, तो आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे मित्रों, पहले हम आपको एक एक बात 100% सच बताऊंगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो भी आपको जानकारी देंगे
वे जानकारी बैंक आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा निर्माण किया गया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यह जानकारी हम आप सभी को अपने मन से नहीं दे रही थी, नहीं अपने मन से आप सभी कह रहे हैं, क्योंकि आपके आंतरिक में बैठे हुए आपके राशि ने हमें संकेत दे रहा है कि आने वाले 3-3 हर समय आप सबके लिए बेहद ही खास समय रहने वाला। तो दोस्तों, चलिए पहले हम आपको यह बता दें कि इसमें आपकी कुंडली में कौन सा दबा राज योग का निर्माण होने जा रहा था। इस समय सूर्य का गोचर की इस राशि में होंगे और आपकी कुंडली में आखिर वे कौन सा दबा राजपूत का निर्माण खुदा। तो चलिए हम आपको भीति अनुसार आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को आप बिल्कुल छोड़कर कहीं मत जाइए, ताकि आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। दोस्तों, पहले आपको बता दें कि अगले 3 दिन के अंदर सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। इस गोचर से इस राशि में बुध स्थित राजपूत उस अपराधी राज योग बनेंगे, आनी की आपकी कुंडली में भी चीज उस अपराधी राज योग बनेंगे, जो दरबार राजभर के सहयोग से आपकी राशि में जबरदस्त लाभ होगा और आपके लिए कमाई की थी बेहतर रास्ते भी आपको मिलेंगे। नौकरी में आपके लिए तरक्की के योग भी बनेंगे। दोस्तों, बिजनेस में माँ लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ पर भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर मेहरबान होती। दोस्तों, आने की यह समय आपके लिए रुपया पैसा लाइफ लाइन स्थित और कैरियर के लिए या 3 दिन तक समय आपके लिए महत्वपूर्ण समय रहने वाला की। तो दोस्तों, आने की आपकी आँखें तरस गई थी, आपको इस समय सच्चा जीवन साथी भी मिलने वाला से और छुआ जातक साथी। इस उदासी अपने जीवन साथी को लेकर अपने लाइफ पार्टनर को लेकर कहीं घूमने फिरने का भी प्लान था, तो यह समय आपके जीवन में सचमुच में वहाँ एटीपी बदलाव होंगे, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा, भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, आप अपने जीवन में जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, आपको वही चीजें इस समय मिलने वाली से। दोस्तों, क्योंकि आप अपने जीवन काल में लाइफ पार्टनर को लेकर भी आपको बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन इस समय आपको सच्चा प्रेम जीवन की मिलने वाला चाहिए और इस समय आप अपने जीवन में जिससे प्रेम करती थी उसके साथ भी आपको इस समय ना चाहते हुए भी शारीरिक संपर्क बनेगा। दोस्तों, इस समय आपको प्यार वाला था सुख मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही, और चंद्रेश है क्योंकि आपके कुंडली में, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही, और चंद्रेश है क्योंकि आपके कुंडली में या तो राजपूत का निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों, बुद्धि राजू शुक्र आधी रात को साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की का भी विशेष कृपा आपके ऊपर रहने वाली। फिर दोस्तों, इस समय आपको यह भी बता दे, इसमें कुछ गलत करने से आपको बचना होगा। दोस्तों, इससे भी किसी भी स्त्री जाति को आप अपमान न करें। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें और इसमें आप अपने घर में किसी भी छोटे बड़ों को कभी आप से पोकर का था, और यह सर्वश्रेष्ठ समय में आप अपने घर परिवार में सभी से अच्छे से बात करें, जिससे आपके घर परिवार काफी अस्थिर बाद आपके ऊपर बनाए रखेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आपकी लव लाइफ में शानदार बदलाव होने वाली है। आपकी लव लाइफ में जबरदस्त लाभ होंगे, क्योंकि आपकी लव लाइफ में छोटी समस्याएं कई दिनों से आ रही थी, वे समस्या का समाधान आपको इस समय मिलने वाला। आने की सुविधा से 18 सितंबर तक आपके जीवन में सब कुछ आपको मिलने वाला। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में 2-4 बड़ी बड़ी खुशियां थी आपको मिलेंगे, जो खुशियां आकर अपने जीवन में धन्य हो जाओ के। दोस्तों, यह समय में माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ को आप शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि समय आपके लिए आ चुका था। यही समय का आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जो समय आपके जीवन में अब ICT प्रकाशित। मेरे प्यारे मित्रों, इस समय आपके जीवन में और कौन कौन सा बदलाव होने वाली थी, और यह समय आपके लाइफ में तो बदलाव करने होंगे। इसमें आपका बजट कैसा रहने वाला के आपके कैरियर में क्या लाभ होंगे, और यह समय में आपको कौन सी सावधानी लेकर चलना होगा। तो दोस्तों, यह बात हम आपको विस्तार से जाने वाले हैं।
तो मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया कि बस इस वीडियो पोस्ट सच्चे हृदय से एक प्यारा सा लाइक कर देखिएगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का नारा 3 बार लगातार रहेगा दोस्त। तो साथ ही साथ बाबा वारिस पठान का इसके बाद पाने के लिए सच्चे हृदय से भावार्थ बागेश्वर खान का थी नारा लगा लेगा। रिश्तों बात कहती है, इस समय दरबार रूप से आपकी कुंडली में क्या क्या लाभ होने वाली, इस राशि वालों के लिए समय क्या क्या मिलने वाला। तो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सच रही थी, क्योंकि आपके आंतरिक में बैठे हुए आपके स्वर मंडल गृहिणी हमें इस बात का संकेत दे रहा है कि इस राशि के जातक को 16 से 18 सितंबर के बीच आमदनी में वृद्धि होगी। अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय से दोस्तों, इस समय आप अपने माता पिता को विश्वास में लेने का सही समय है। तो इस राशि के जातकों को नए कार्य क्षेत्र में कार्य करने का एक बड़ा ही मौका मिलेगा। किसी बड़ी योजना या ना में आप भागीदार हैं दोस्तों, इसके लिए आप अपने जीवन में किसी भी घटना में आप भागीदार होंगे, जो घटना आपके लिए शुभ साबित होंगे। दोस्तों, इस राशि के जातकों के लिए यह समय आपके व्यापार में भी अच्छे होंगे। संतान की बजाय से आपको आर्थिक लाभ होने के आसार हैं। इस समय आपके जीवन में 1-4 बड़े और बड़ी बड़ी खुशियां मिलेंगे। इसलिए यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपकी लाइफ पार्टनर की ओर से आपको बड़ी खुशी मिलने की पूरी संभावनाएं आपकी कुंडली में बन रही है। इस समय आपके जीवन साथी भी आपके हर कार्य में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में किसी का भी भाव में आ रही थी अनिर्बान, तो वह समस्याएं से मिटने वाली, क्योंकि आपकी कुंडली में जब राजनीति का निर्माण पूरा और इस समय सभी ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने वाले अनेक 3 दिन का समय आपके लिए बहुत ही शुभ साबित माना, क्योंकि इस समय आर्थिक संतुलन बनाए रखने में आप सफल होंगे। सेहत को लेकर परेशान थी, तो आपको इस समय परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस समय आप अपने जीवन में माता पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय की आपका भी देगा। आने के समय इस राशि के जातकों को भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति होने वाली से अपने फिर ये के साथ शहद सपोर्ट पर जा सकते हैं। आने के समय अपने जीवन धर्म को लेकर कहीं फिल्म देखी जा सकती थी, और दोस्तों अब अपने जीवन में जिससे प्रेम करती थी फिर फोन से शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, जो नहीं बना आ रही थी, लेकिन यह 3 दिन के अंदर न चाहते हुए भी आपको शारीरिक सुख मिलेगा, शारीरिक संबंध भी बनेगा। मैं फूल गारंटी के साथ के था या भविष्यवाणी गलत निकला, जुलूस निकला, तो मैं हमेशा के लिए YouTube पर भविष्यवाणी करना छोटा में आज ही निपटा देता, या भविष्यवाणी आपकी पोस्ट को उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस समय भगवान भोलेनाथ माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बना रहेगा कि आपको इस समय आर्थिक लाभ होगा। मन में शांति को इस राशि के जातकों को इस समय आपका मन ऑफिस के कामों पर नहीं लगने वाला से दोस्तों, इसलिए आपको अपने ऑफिस के कामों पर आप तो मन लगाना होगा, तभी के उस अधिकारी को आपके जो बड़े अधिकारी से उनका सपोर्ट आपको मिलेगा, सहयोग आपको मिलेगा। इसलिए अपने मन को अपने कार्य पर लगाएं दोस्तों, इसलिए आपके जीवन में आपका सोचा होगा अरमान ही पूरा होगा। परीक्षा में आपके जीवन की सभी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिलेगी। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में वाहन कोई चलाती है, तो आप उन्हें पूरी तरह से शांत थाई और आपको कि वाहन चलाते समय सावधान होकर वाहन चलाना होगा। दोस्तों, शराब पीकर वाहन न चलाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस राशि वालों को सुख समृद्धि के सहयोगी बनेंगे, आपसी प्रेम में सिद्ध होता जाएगा। बच्चों से संबंधित सुखद समाचार है, अगले 3 दिन के अंदर आपको प्राप्त हो सकता था। छात्राओं द्वारा पर आपको सफलता हासिल होगी, एवं किसी व्यक्ति की मदद से जीवन में सुख शांति का भी महसूस करेंगे। अपने अपने कार्य क्षेत्र में किसी साझेदारी के प्रोजेक्ट को लेकर मन में आपका मायूस हो सकता है। आर्थिक मामलों में आप निवेश को बढ़ाने के बारे में सोच सकती है, जहां आपको कई सारे लाभ होंगे। दोस्तों, यदि आपका नवीन व्यापार है, तो आपको
अपने व्यापार से इसमें बहुत ही बड़ा लाभ मिलने वाला कि दोस्तों इस समय आप अपने जीवन में कोई परेशानी को लेकर न करें। दोस्तों इस समय आपके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे बदलने वाला कि धीरे धीरे, इसलिए भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पर करती होंगी आपकी थी कि कई ऐसे नए नए रास्ते भी आपको इस समय मिलने वाली, क्योंकि ग्रह गोचर आपके पक्ष में रहने वाले समय में इस समय आपकी कुंडली में दो राजमल का निर्माण को राशि जो या तो राज योग आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दे। कि दोस्तों ऐसा समय भी बार बार नहीं आता, तो मेरे प्यारे मित्रों आपको बता दे इस समय आपके जीवन में तरक्की से या 3 दिन का समय खराब होगा। किसी महिला के सिर बातें अपनी लव लाइफ में आपको सुकून महसूस कर पाएंगे। मैंने आपको कहा था कि आपकी आंखें तरस गई थी यह समय देखने के लिए, इसमें किसी महिला के बाद में अपनी लव लाइफ में आपको सुकून महसूस करेंगे। तो दोस्तों यह समय आपके जीवन में ऐसी कन्याश्री भी आपकी मुलाकात होगी जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धनवान बना सकती। दोस्तों आगे बात करें तो आप अपने कार्य क्षेत्र में उस कन्या की मदद से, इन महिलाओं की मदद से आपको जबरदस्त लाभ भी मिलेगा। आने की यह महिला और या कन्या आपके जीवन में हर मुसीबत में क्या आपका साथ देगी। दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, मान सम्मान ही आपका बैठेगा। आप की अपेक्षा से कम अब तो आपकी अपेक्षा से कई गुना ज्यादा लाभ होने वाली है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में धन की देवी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से धन लाभ धीरे धीरे आपके जीवन में होते जाएंगे। आने की आपकी सेहत में भी सुधार आएंगे और आपके जीवन में पूरे परिवार के साथ यात्रा करने का आपका प्लान बनेगा। दोस्तों इस समय आप अपने जीवन में हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, आंकड़ा करेंगे तो आप सफल रहेंगे, जिससे में आप अपने जीवन में काफी बदलाव होते नजर आप देखेंगे। दोस्तों इस समय के अंत में सुकून महसूस होगा, जीवन में खुशियां दस्तक देंगे और यह समय भी था आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। जैसा ही में आपके धन में वृद्धि होगी तो अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के सहयोग प्राप्त करेंगे। दोस्तों जो लोग अपने रोगों की जांच और इलाज करवा रहा है उनके लिए बहुत ही सफलता प्राप्त हो सकते हैं। दूर दोस्तों और सीवेज या फिर दुष्टों विदेश में करना चाहिए, अपने आप को इस उद्देश्य में सफलता मिलेंगे। और स्वास्थ्य लोगों को कार्य क्षेत्र में 8 में देख तनाव लेने से बचना होगा। चीजों को दोस्तों अधिक गंभीरता से लेने से बचें, अन्यथा दोस्तों 8 में ठीक बीमारियां होकर विस्तार पर पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको बता देते हैं, अगर आप अपनी कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वह कार्य अपने सफल से करें या फिर अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाकर दिखाते रहें, नहीं तो बाद में आपको बहुत ही बड़ी परेशानियां को भी सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि आज अपने जीवन काल में अपने सहकर्मियों के साथ अस्पष्टता हुए अहिरवार करने से बचें, भले ही दोस्तों आप उनकी आदर्श से नुकसान होता है, धन वृद्धि के लिए हो गया है प्रयास, सफलताओं होंगे परिवार के साथ। दोस्तों आप किसी खास मित्रों के यहाँ मिलने या किसी मांगलिक कार्यक्रम में जा सकते हैं, जिससे दोस्तों संबंध मजबूत होंगे। आज लव लाइफ मानव है, अप्रत्याशित घटना दिलचस्प भी बना सकते हैं। दोस्तों भागीदारी रहे हैं लेकिन ज्यादा भाग्य पर निर्भर न करें, मुख्य है प्रयास करके, नहीं तो दोस्तों लालसा आपका करियर खराब कर सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नहीं तो जीवन में परेशानियां आ सकती हैं और आपको बार बार किसी भी समस्या में पड़ सकते हैं और किसी भी समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और इसी प्रकार से दोस्तों हम आप सभी को बता देते हैं, अगर आप सब आज धन दौलत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, आए धन इधर से उधर अगर चला जा रहा है, तो दोस्तों आपको आज ही का दिन भगवान श्री सूर्य देव की अपने सच्चे हृदय मनोभाव से पूजा करें। अगर आप अपने सच्चे हृदय मन भाव से भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं तो जीवन में सफलता प्राप्त होता है। और साथ ही दोस्तों प्रत्येक दिन स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को एक लोटा शुद्ध गंगा जल अर्पित करें। तुलसी के पौधे में भी दोस्तों एक लोटा शुद्ध गंगा जल अर्पित करें
जिनसे आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और आप किसी भी चीज को अपनाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली रहता है और आप अपनी क्रम में कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता सुनिश्चित होने वाले हैं, अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। किसी दोस्तों आपको बता देते हैं, भगवान सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्पित करें और तुलसी के पौधे में भी एक लोटा जल अर्पित करें, जिनसे आपके घरों में आ रही समस्या खत्म होगा और धन दौलत आना प्रारंभ हो सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों अपनी लव लाइफ के बारे में। जैसे कि दोस्तों आपने लव लाइफ में आज बहुत ही बड़ी बदलाव होने वाला है, जो कि दोस्तों मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, आ जाओ मेरे घर, आज कोई नहीं है, सबसे अच्छा मौका मिला है, फिर बाद में आप बहुत ज्यादा पछताओगे। दोस्तों हाँ आपको बता देते हैं, यह लड़की आपसे इतना ही मोहब्बत करने लगा है और आपसे मिलने की चाहत में पूरी तरह से पागल हो चुकी है, इसीलिए दोस्तों यह आपको अपने घरों में मिलने के लिए बुला रही है। जब दोस्तों इनके घर में कोई नहीं रहने वाला है, कुरेशी दो दिन के अंदर तुम्हें अपनी जीवन में सफलता प्राप्त हो जाएगा। कुरेशी दो दिन में आप इनके साथ शारीरिक संबंध भी बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज सबसे सटीक और सबसे अच्छा मौका मिल चुका है। फिर से मौका मिलने में आपको टाइम भी लग सकता है, ऐसी मौके न जाने मिले या फिर न मिले, क्योंकि दोस्तों जब भी जीवन में सफलता आता है तो एक ही बार आते हैं और वह सफलता कोई भी अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। और इसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं, आप भी ऐसे मौके को हाथ से जाने मत देना, वरना आपको पूरी जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। दोस्तों आप सभी को आज की हमारी वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा, ताकि दोस्तों सबसे पहले वीडियो आपको मिले, इतनी अच्छी अच्छी जानकारी पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, आपका एक रुपया भी नहीं लगता है दोस्तों, पर वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, दिन रात एक करते तब कहीं जाकर आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी जानकारी हम लोग ला पाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों आपको भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, इतनी चीज जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है। साथ ही प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, इस समय आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय परिवार में अगर किसी प्रकार का उलझन चल था, आपसे मतभेद चल रहा था, तो उसको सुलझाने में आप सफलता हासिल करेंगे और इस समय आप अपने जीवन में नई वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। अगर लंबे समय से किसी वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी तो उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलने का सहयोग बन रहा है, इसलिए इस समय नौकरी पैसा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नहीं जिम्मेदारी मिल सकती है, वही व्यापारियों को हर क्षेत्र में सफलता मिल सकता है। इस समय सामाजिक व धार्मिक कार्यों करने में समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और धन से संबंधित समस्या भी दूर होगी, वही व्यापारियों को अटका हुआ धन मिल सकता है। साथ ही आप लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वही आपके कम्युनिकेशन में सुधार आएगा, जिससे लोग इम्प्रेस होंगे बेहतरीन आइडियाज के साथ साथ आपको संभलने का भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस समय जीवन के हर क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगा, जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा, भाग्य और किस्मत आपको भरपूर साथ देगा, लेकिन हर क्षेत्रों में शुरुआती दौर में आपको थोड़ी परेशानी का अनुभव होगा और देखने में लगेगा कि मेरे ऊपर संकट आने वाला है, बाद में आपको बड़ी सफलता
मिलेगी इस समय आपको प्रेम जीवन में पहले से ही प्रेमी प्रेमिका है तो समय एक दूसरे के साथ गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं और रिश्ता टूट भी सकता है और आपको प्रेम में धोखा भी मिल सकता है। हालांकि इस समय नया प्रेम भी आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है जिसकी वजह से आपके जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। इस समय किसी कारणवश आप बाहर कहीं पर जाएंगे जहां पर किसी विवाहित महिला से आपका मुलाकात होगा और इस समय उसके बहुत करीब आप आ सकते हैं और एक दूसरे से रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा इंसान हैं, तो आपको इन गतिविधियों से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा समाज में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं और इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता है। साथ ही प्रतियोगी छात्रों को किसी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। इस समय आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, साथ ही परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस समय परिवार में अगर किसी प्रकार का उलझन चल था, आपसे मतभेद चल रहा था, तो उसको सुलझाने में आप सफलता हासिल करेंगे और इस समय आप अपने जीवन में नई वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है। अगर लंबे समय से किसी वाहन खरीदने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। अगर कोई बड़ी और महंगी प्रॉपर्टी आपने देख रखी थी तो उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलने का सहयोग बन रहा है। इसलिए इस समय नौकरी पैसा लोगों को कार्यस्थल पर कोई नहीं जिम्मेदारी मिल सकती है, वही व्यापारियों को हर क्षेत्र में सफलता मिल सकता है। इस समय सामाजिक व धार्मिक कार्यों करने में समाज में आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा और धन से संबंधित समस्या भी दूर होगी, वही व्यापारियों को अटका हुआ धन मिल सकता है। साथ ही आप लोगों को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, वही आपके कम्युनिकेशन में सुधार आएगा जिससे लोग इम्प्रेस होंगे बेहतरीन आइडियाज के साथ साथ आपको संभलने का भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस समय जीवन के हर क्षेत्रों में आपको बड़ी सफलता मिलेगा, जीवन में चमत्कारिक लाभ होगा, भाग्य और किस्मत आपको भरपूर साथ देगा। लेकिन हर क्षेत्रों में शुरुआती दौर में आपको थोड़ी परेशानी का अनुभव होगा और देखने में लगेगा कि मेरे ऊपर संकट आने वाला है। बाद में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, इस समय आपको प्रेम जीवन में पहले से ही प्रेमी प्रेमिका है तो समय एक दूसरे के साथ गलतफहमी का शिकार भी हो सकते हैं और रिश्ता टूट भी सकता है और आपको प्रेम में धोखा भी मिल सकता है। हालांकि इस समय नया प्रेम भी आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है जिसकी वजह से आपके जीवन में फिर से खुशियां आएंगी। इस समय किसी कारणवश आप बाहर कहीं पर जाएंगे जहां पर किसी विवाहित महिला से आपका मुलाकात होगा और इस समय उसके बहुत करीब आप आ सकते हैं और एक दूसरे से रिश्ते में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो आपको दिक्कतों की सामना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा इंसान हैं, तो आपको इन गतिविधियों से दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है, अन्यथा समाज में बदनामी का शिकार आप हो सकते हैं और इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब हो सकता होने वाली है। एक तो इस समय सूर्य और शनि आमने सामने होगी जिसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है। साथ ही साथ इस समय इंद्र के साथ स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जिसके वजह से आपके जीवन में चमत्कारिक लाभ भी आपको होगा। इस समय सूर्य देव आपके जीवन को राजाओं के समान बनाएगा और शनि देव
उसे कटाक्ष करेंगे और इंद्र देव के देव के साथ जो स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है उससे आपको भरपूर लाभ होगा, जिसके वजह से इस समय आपके जीवन में भर भर के रोमांस आने वाला है। इस समय एक शादीशुदा महिला, एक विवाहित महिला भी आपके करीब आने वाली है और इस समय आपके सामने प्रेम का प्रस्ताव भी मिलने वाला है। आपके राशि के जातक जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सामने से प्रेम का प्रस्ताव इस समय मिलेगा, जिससे आप बखूबी स्वीकार भी करेंगे और जीवन में खुशियों का संचार भी आपका होगा। सूर्य और शनि के विपरीत एनर्जी में जीवन में कठिनाइयों का अनुभव भी कर सकती है। अगर हम इस ऊर्जा का उपयोग उचित ढंग से इस्तेमाल करें तो यह जीवन में संतुलन लाने की संभावनाएं भी बढ़ा सकती है। सूर्य शनि का यह संयोग जीवन में पॉजिटिव डेवलपमेंट ला सकता है। लाइफ में अच्छे बदलाव भी हो सकते हैं। करियर पर फोकस करने के लिए नई ऊर्जा प्राप्त होगी। नौकरी पैसा वालों कोडोट करियर में बदलाव लाने की इच्छाएं भी बढ़ेगी और इस समय अगर आप नौकरी में बदलाव करने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए शानदार समय है। आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगर इस समय करियर में लंबे समय से परेशानी आ रही है, करियर में आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इस समय आपका सपना पूरा हो सकता है, लेकिन आपको परेशानियां भी शुरुआती में झेलनी पड़ेगी। लाइफ में करियर के नए ऑप्शन पर विचार करें। उद्यमियों को सोशल बिजनेस शुरू करने का मन करेगा, वहीं कर्मचारियों को अलग अलग प्रोग्राम को लॉन्च करने की इच्छा जागेगी, जिससे सफलता मिलेगी। वहीं शनि और सूर्य के प्रभाव से आर्थिक मामलों में कई बड़े फैसले भी लेने होंगे, लेकिन अगर सोच विचार करके सही से फैसले करेंगे तो कई तरह के लाभ भी आपको हो सकता है। बिना किसी संकोच के निवेश इस समय आप कर सकते हैं। निवेश से इस समय आपको अत्यधिक लाभ होने की संकेत मिल रहा है, चाहे आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में या फिर किसी रोजगार कारोबार कंपनी में पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो इस समय आप अवश्य ही निवेश करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। हालांकि कोई भी डिसीजन लेने से पहले दो बार विचार जरूर करें। यह अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करने का परफेक्ट टाइम हो सकता है, जो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। इस दौरान आप सुखद जीवन का आनंद लेंगे। इस दौरान नए बदलाव और इनोवेशन के लिए प्रेरित नजर आएंगे, जिसके वजह से आपके अंदर पराक्रम और साहस रहेगा और आप जीवन में तरक्की करते जाएंगे। आपको टेक्नोलॉजी के फील्ड में बेहतर करने का मौका देगा। आपको लीडरशिप जिम्मेदारी के लिए भी कॉन्फिडेंट बनाएगा, जिससे इस समय आपको सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी और सामाजिक दायरा बढ़ेगा। इस समय अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए चमत्कारिक हो सकता है। किस्मत आपके जीवन में चार चांद लगा सकता है। आप अपने जीवन में ऊंचाइयों कोड़ों छू सकते हैं। इस दौरान आप में जुनून और उत्साह भरपूर रहेगा। एजुकेशनल फील्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इस समय अगर किसी परीक्षाएं या प्रतियोगी में भाग ले रहे हैं तो उसमें आपको शुभ सूचना मिलेगा। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप छात्र हैं या छात्रा हैं, आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। आपको मिठाइयां बांटने पड़ सकती है। हालांकि इस समय आपके यात्रा के भी योग बनेंगे और जो छात्र छात्रा अगर विदेश जाकर के या अपने गांव से किसी दूसरे शहर में जाकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहा है, उसका सपना इस समय पूरा हो सकता है। साथ ही साथ इस समय व्यापारिक लोग भी यात्रा करेंगे। यह समय करियर के मामले में आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। स्वास्थ्य के मामले में इस समय शांत और
सुखद रहेगा पुरानी कोई बीमारी से अगर रोग से आप ग्रसित थे तो उसमें आपको राहत मिलती हुए नजर आ रही है और आप खुद को संगीत या फिल्मों का आनंद लेते हुए पा सकते हैं। आप इस समय पियानो या गिटार बजाने या मनोरंजन गतिविधियों में भाग लेने पर भी विचार कर सकते हैं। आखिरकार इस समय रचनात्मक को वक्त करने की आपकी भावनाओं से जुड़ने का मौका आपको मिलेगा और जीवन में खुशियां कई क्षेत्रों से आने का संकेत मिल रहा है। इस दौरान आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा जिसके वजह से आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही जीवन के हर क्षेत्र में शुभ परिणाम मिलेंगे और आकस्मिक धन लाभ के योग भी बढ़ रहे हैं। साथ ही आप काम कारोबार के संबंध से यात्राएं भी कर सकते हैं। वहीं इस समय परिवार वालों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और वाहन व प्रॉपर्टी का योग भी बढ़ रहा है। साथ ही इस दौरान आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं जिसके वजह से आपको परेशानी होती है और आपका किस्मत और आपका भाग्य आपको आगे साथ नहीं देता है। इसलिए आज इस वीडियो को आखिरी तक देखने के पश्चात आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में किस प्रकार का चांद लगने वाला है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करने हैं जिनकी वजह से आपका भाग्य और किस्मत खराब हो जाता है और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलती है। और यह कौन औरत है, कहाँ की है, इनका आपके साथ क्या संबंध है या आपको बर्बाद करने के लिए किस हद तक जा सकती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह औरत आपको बर्बाद करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना चुकी है और अपना भी रही है और यह इस समय हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहती है। हालांकि इस समय जितने ही आपके जीवन में नामकता देखने को मिलेगी उससे कई गुना अधिक आपके जीवन में सकारात्मकता भी देखने को डोट मिलेगी। जीवन में आपके भाग्य और किस्मत इतना साथ देने वाले हैं कि बड़ी से बड़ी चीजों को आप हासिल करने वाले हैं। आपके अंदर सौंदर्य और आकर्षण में इस प्रकार वृद्धि होगी कि इस समय सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा। आपका जीवन में रोमांस भरा हुआ रहेगा। आप इस समय शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करेंगे। आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, सालों से तड़प रहे थे। साथ ही साथ इस समय आप अपने सामने के बड़े से बड़े शत्रु, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, उसको आप इस समय मात दे सकते हैं। उसको इस समय आप हरा सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, लेकिन आपको कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती आपको नहीं करने होंगे, अन्यथा इस समय लालच में आप इस समय इस कदर भी फंस सकते हैं कि आपको निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर समाज में बदनामी हो सकती है, धनहा हो सकती है। आर्थिक संकट से जीवन आपको गुजारना पड़ सकता है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दोस्तों, कि आप सभी को बता दें कि सूर्य, शुक्र और केतु की युक्ति की वजह से आपके जीवन में कई क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होने वाला है। तो आप सभी कोडोट बता दें कि सूर्य ग्रहण के सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, वह आपके जीवन में इस समय राजा के समान आपको बना सकता है। वह नौकरी, रोजगार, कारोबार, व्यापार के कारक मा जाता है। साथ ही जिससे प्रेम जीवन, शारीरिक सुख, आकर्षण, सौंदर्य और लग्जरी जीवन का कारक माना जाता है, इन सभी
क्षेत्रों में शुक्र की वजह से बदलाव होगा और केतु जो कि एक पापी ग्रह की दृष्टि से देखा जाता है जो जीवन में कई तरह के षड्यंत्र में फंसाने के और मुसीबत में डालने का प्रयास करता है इन क्षेत्रों में, इसकी वजह से बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करता हूँ और अपना भी रही है और यह इस समय हर हाल में आपको बर्बाद करना चाहती है। हालांकि इस समय जितने ही आपके जीवन में नामकता देखने को मिलेगी उससे कई गुना अधिक आपके जीवन में सकारात्मकता भी देखने को डोट मिलेगी। जीवन में आपके भाग्य और किस्मत इतना साथ देने वाले हैं कि बड़ी से बड़ी चीजों को आप हासिल करने वाले हैं। आपके अंदर सौंदर्य और आकर्षण में इस प्रकार वृद्धि होगी कि इस समय सामने से प्रेम का प्रस्ताव आएगा। आपका जीवन में रोमांस भरा हुआ रहेगा। आप इस समय शारीरिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति करेंगे। आप वह सब कुछ हासिल करेंगे जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, सालों से तड़प रहे थे। साथ ही साथ इस समय आप अपने सामने के बड़े से बड़े शत्रु, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली शत्रु क्यों ना हो, दुश्मन क्यों ना हो, उसको आप इस समय मात दे सकते हैं, उसको इस समय आप हरा सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन के हर क्षेत्र में आप सफलता की प्राप्ति करेंगे, लेकिन आपको कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो गलती करने से मैं मना करूंगा वह गलती आपको नहीं करने होंगे, अन्यथा इस समय लालच में आप इस समय इस कदर भी फंस सकते हैं कि आपको निकलना वहां से बहुत मुश्किल हो जाएगा और फिर समाज में बदनामी हो सकती है, धनहा हो सकती है, आर्थिक संकट से जीवन आपको गुजारना पड़ सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आप सभी को बता दें कि सूर्य शुक्र और केतु की युक्ति की वजह से आपके जीवन में कई क्षेत्र में चमत्कारिक लाभ होने वाला है। तो आप सभी कोडोट बता दें कि सूर्य ग्रहण के सूर्य ग्रहों के राजा कहे जाते हैं, वह आपके जीवन में इस समय राजा के समान आपको बना सकता है। वह नौकरी रोजगार कारोबार व्यापार के कारक मां जाता है। साथ ही जिससे प्रेम जीवन शारीरिक सुख आकर्षण सौंदर्य और लग्जरी जीवन का कारक माना जाता है, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र की वजह से बदलाव होगा और केतु जो कि एक पापी ग्रह की दृष्टि से देखा जाता है जो जीवन में कई तरह के षड्यंत्र में फंसाने के और मुसीबत में डालने का प्रयास करता है इन क्षेत्रों में, इसकी वजह से बदलाव देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बात करता हूँ ताकि इस समय सूर्य और केतु एक साथ युक्ति होने की वजह से आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से क्षेत्र में आपको लाभ होगा और कौन कौन से क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे दोस्तों आपको परेशानी आने का संकेत मिल रहा है, जिससे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और कौन कौन से क्षेत्र में आपको चमत्कारिक लाभ होगा, आपका भाग्य किस्मत साथ में आसमान पर होगा, कौन से क्षेत्र में आप इस समय राजा बन सकते हैं। तो बड़े ही ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता है ताकि आप अपने भाग्य और किस्मत का भरपूर लाभ उठा सके और अपने जीवन में होने वाली सभी प्रकार के परेशानियों को भी समाप्त करके आप अपने जीवन में फिर से खुशियों का संचार यानी कि शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे शुरू से लेकर अंत तक। और दोस्तों वीडियो में आगे बात करने से पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान कोडोट महादेव मानते हैं, तो दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव हर हर
महादेव जरूर लिखें पूरे भक्ति भाव के साथ। महादेव आप सभी की हर एक इच्छा को पूरी करेंगे और हमेशा अपने आशीर्वाद कृपा आपके साथ रहेंगे। और दोस्तों, यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल कोडोट सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि भगवान भोलेनाथ की आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों, इस समय तीन खास ग्रह का युति बनने की वजह से शुक्र और सूर्य दोनों की बहुत लाभदायक होने वाले हैं और शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। केतु सबसे नीचे के ग्रह मा जाते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में उथल पुथल होने वाली है, जिससे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। आपके राशि में सूर्य शुक्र और केतु ग्रह की युक्ति बनने जा रही है जिससे आपकी किस्मत चमक सकती है, लेकिन आपको इस समय थोड़ा सतर्क और सावधान भी रहने की आवश्यकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूरे 18 साल बाद अब जाकर के इस समय आपकी राशि में मान सम्मान के दाता सूर्य और वैभव और ऐश्वर्य के दाता शुक्र छाया ग्रह केतु का सहयोग बनने जा रहा है। दरअसल शुक्र ग्रह आज रात्रि में आपके राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जहां पहले से ही शुक्र और केतु ग्रह विराजमान है। ऐसे में इन तीनों ग्रह के पास अपनी आने की त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा, जिससे कुछ राशियों का भाग्य उदय हो सकता है, चमक सकता है। लेकिन मैं अभी फिलहाल आपके राशि के बारे में बात करूंगा, साथ ही इस समय आपके राशि के लोगों को, साथ ही इस समय परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी हुई रहेगी और इस समय सेहत भी आपकी अच्छी रहेगी। वही शादी सुधार लोगों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। इस समय पति पत्नी में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा क्लेश चल रहा था, उपाय ऐसी स्थितियों से बचना ही है। और आपके घर में जो भी नशे का सेवन करता है या आपका बात नहीं सुनता, गलत कार्यों की तरफ ज्यादा आदर्श या आपके घर का कोई सदस्य हो गया है, तो ऐसे में दोस्तों यह शक्ति उन पर अपना ऐसा चमत्कार चलाएंगे कि देश को भी सही रास्तों पर आ जाए। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आप बहुत ही परेशानियों से गुजरे हैं, जी हाँ दोस्तों, इस दौरान ही आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी है। यूं तो सदैव आपके मन में चिंताएं बनी रहती है, जब आपके जीवन का एक परेशानी खत्म होता है तो दूसरी परेशानी चली आती है दोस्तों। और आप अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, यूं कहें तो आपने बहुत ही कम उम्र से ही संघर्ष करना शुरू कर दिया है। अब तक आपको अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता रहता है, तो दोस्तों अब आपको बता दे कि आपके संघर्षों का अब आपको आपकी मेहनत का फल प्राप्त होने वाला है। आपका यह समय है जिन जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन जिन लोगों की वजह से आपको बहुत ज्यादा में दिल दुखाया है, जिन जिन लोगों ने, अब उनका समय खराब शुरू होगा, क्योंकि आप जैसे भोले भाले सच्चे शक्ति का दिल दुखा कर भला खुश कैसे कोई रह सकता है। दोस्तों आपका पिछले समय में पैसों के मामले में भी बड़ा घोटाला हुआ था, कोई बहुत ही अपना खास आपके पैसे की हेरा फेरी किए थे, जिनमें आपको धन के मामले में भी हानि पहुंचाता। दोस्तों अब उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला है, कहते हैं सबका समय एक न एक दिन जरूर बदलता है। दोस्तों ऐसे में यह देवी माँ आपके घर पर आएंगे और आपके जीवन का पूरा काया पलट कर देंगे, आपका जीवन धन्य हो जाए। आप भी यही कहेंगे कि धन्य है मादा आपकी लीला अपरंपार है। दोस्तों आपको बता दें कि यही जो शक्ति है आपके धन में आएंगे, वे साक्षात रूप में नहीं आएगी, अपना रूप बदल बदल कर आपके सामने आएगी। दोस्तों इसके लिए आपको कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि यह देवी शक्ति है जो आपके घर में आ रही है। दोस्तों शाम का समय जो आपके जीवन का शुरू हो रहा है, वे आपके लिए अत्यंत ही शुभ साबित होने वाला है।
जी हाँ दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एक शक्ति है जो आपके घर के सामने खड़ी है। इसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही है और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समय में, और आप इस शक्ति को पहचाने कैसे, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ होने से पहले जो भी माता भवानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वीडियो को प्यारा सा एक लाल से करते साथ ही आप अपने सच्चे मन और हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय मामा भवानी जय माता दी जरूर लिखिए। दोस्तों, माँ भवानी की कृपा से आपके और आपके परिवार के सभी लोगों की जिंदगी में खुशहाली आएगी, सबकी मनोकामना पूरी होगी। तो आप नीचे था दोस्तों, आपको बता दे इस दौरान यह शक्ति आपकी हर मनोकामना को पूरा करे। इस दौरान आप जिस जैसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, मुसीबत छूट है या बड़ी, आपसे निकलना तो जरूर जा रहे हैं, तो ऐसे में यह शक्ति आपको मुसीबत से बाहर निकालेगी। तो आइए जान लेते हैं कि यह शक्ति को पहचाना जा सके और कौन सी गलतियां हैं जो इस दौरान आपको करने से बचना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको शाम दरवाजा खोलते जो कि घर पर आएंगे और यह घटना होने वाला है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, आज शाम से आने वाले 5 से 6 दिनों तक आपको बहुत ही सावधानी के साथ अपने कदमों को अब आगे बढ़ना। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां न कर जाए जिसका तो बाद में पछतावा हो। तो दोस्तों, इस दौरान जो शाम का समय रहेगा से शुरू हो रहा है, ऐसे में दोस्तों आप जब भी अपने घर का दरवाजा खोलेंगे तो जो भी आपको दिखाई देगा, जिस भी तरह का जीव जो आपको नजर आए, दोस्तों भी यह शक्ति ही होने वाले। जी हाँ दोस्तों, यह शक्ति किसी गाय के रूप में भी आपके घर के सामने आ सकती है, किसी कुत्ते के रूप में आ सकती है, कोई करो सकता है, या किसी मनुष्य के रूप में आ सकती है। दोस्तों, कहने का अर्थ है किसी न किसी रूप में आप शक्ति के दर्शन तो होने वाले हैं, और ऐसे में यदि आप उस जीव जंतु या किसी भी तरह की आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं, आप उन्हें खाने पीने की चीज ले सकते हैं, तो आप जरूर इस दौरान आप दरवाजा खोलते किसी भी जीव जंतु को अनदेखा ना करें। जी हाँ दोस्तों, और जब भी आप किसी को कुछ है तो आप देवी माता से प्रार्थना करके अपनी मनोकामना को जरूर मांगी हुई गलतियों की क्षमा मांग, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में जाने अनजाने में जरूर गलतियां कर जाता है। ऐसे में आपके सामने यदि गाय आती है, कुत्ता आता है, यह किसी भी तरह का कोई भी जीव जंतु आता है, तो आप उन्हें खिलाया पिलाया और अपनी मनोकामना को अपने मन में पूरे करने की मांग जरूर करें। दोस्तों, इस दौरान जो गलती आपको नहीं करनी है, वह दोस्तों जानबूझकर अपने घर में रह रहे किसी भी जीव जंतु, किसी भी ग्रह के प्राणियों को नुकसान पहुंच आया था, जीती हो, छिपकली हो, या किसी भी तरह का कोई अच्छी आपके घर में यदि दिखाई देंगे, तो उन्हें मारे पीटे नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो भी या समय आपको अपने अच्छे कर्मों को करना होगा, जितना अच्छा कमा आप इस समय में कर सकते हैं उतना करें, इसका बहुत बड़ा लाभ अब आने वाले समय में आपको प्राप्त होगा। इस समय तो आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, नहीं तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। फिर आप यही कहेंगे कि आपके जीवन में तो कभी खुशियां ही नहीं आते, 8 भी हैं 2 दिन में चली जाती है। दोस्तों, आर्थिक मामलों की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए काफी शुभ साबित होने वाला है। आपके भाग्य में वृद्धि होने से आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। आपके लिए भाग्य गया की बदौलत उत्तम राज्यों का सृजन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, जिसके उल्टे आपके सम्मान में वृद्धि होने वाला था, दोस्तों इस दौरान आपको अचानक से पहले से लाभ होगा, जिसकी वजह से आप काफी प्रसन्न रहेंगे। और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती है जो आप तक हर एक शुभ गति को, हर एक सदगति को रोक कर रखती है, तो यह विषय दोस्त बहुत बढ़ा है, और आपके जीवन को गहराई से समझने के बाद ही विशेष तौर से आपको खुशियां दी जा सकती है, आपके जीवन को बदला जा सकता है। तो यह तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई दोस्तों, लेकिन जितने भी आपकी राशि के जातक है उनमें से अधिकतर के ऊपर यह भविष्यवाणी फिट जरूर बैठेगी। अब ऐसे में यदि आपको सच्चे प्रेम की तलाश है,
आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय अवश्य बता देते हैं, जिनको यदि आप करें तो 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल ही जाएगा। तो उपाय को ध्यान से सुने, और जिनके जीवन में प्रेम तो है फिर भी उनके जीवन साथी के साथ या प्रेमी के साथ मेल भाव नहीं हो पा रहा है, दिल से दिल का नाता नहीं बन पा रहा है, तो उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आपको अपने शयन कक्ष को, यानी कि जहां आप सोते हैं, वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय कि आपको अपने शयन कक्ष में उत्तर दिशा की ओर जो दीवार है उस दीवार में या फिर पूर्व दिशा की दीवार में भी एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ है। राधे कृष्ण की यह तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप मोरपंख और मूल्य भी वहां लगा सकती है। इससे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और याद रखिए कि जब आप स्वयं स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं, तब आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जबकि आप अपने स्थूल शरीर से बाहर हो होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष को आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है जहां से शुद्धता की गारंटी हो, नकली न हो। आपको यह रुद्राक्ष खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा घर में रख देना है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक समझकर पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के बाद और जागृत करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को आप रखें, और फिर आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष के आपके घर में आते ही आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो सब शांत हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, फूलों की तरह महात्म्य लगेगा। तो इन उपायों को आप करें। साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, और यदि है भी तो भूल से भी वे उल्टे नहीं होने चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होने चाहिए, व्यवस्थित ही होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अपने बेडरूम में यानी जहां आप सोते हैं वहां झाड़ू नहीं होनी चाहिए और फटे पुराने पर दे और फटे पुराने बेड शीट या फिर फटे पुराने किसी भी प्रकार के कपड़े आपके बेडरूम में नहीं होने चाहिए। तो बस इन सब सावधानियों को आप रखें और आपके जीवन में सच्चे प्रेम की तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।